नमाज भी पढ़नी है, काफी ज्यादा लेट हो रही है, थोड़ा सा स्किन केयर पहले। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है फ्राइडे और आज मैं एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रही थी, काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स बोलती थी कि दी अब तो आप व्लॉग ही नहीं करते हो, तो आज अभी तो फ़िलहाल रमज़ान है तो ये मेरा रमज़ान का पहला व्लॉग होगा। स्टार्टिंग सहरी से नहीं की है मैंने, मॉर्निंग यानी कि अभी मॉर्निंग भी नहीं हो रही, आफ्टरनून हो चुका है, 12 o'clock हो गया एंड मैंने अभी से स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत ही सडन मेरे दिमाग में है, मैंने कहा चलो यार आज का ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। सो अभी जुमा भी है, मुझे नहाने भी जाना है। सबसे पहले मैं उठी 10:30-11 बजे तक थी, उसके बाद साफ़ सफाई की, लाइक अभी आपने क्लिप देख लिया होगा, पोछा एंड ऑल सब कुछ लग चुका है घर में, साफ़ सफाई सब हो गई है। अभी क्या है कि मेरे को अब जाना है नहाने और मम्मा को भी जाना है, तो जब तक मम्मी मेरी नहाएंगी तब तक मेरे पास अभी हैं 15 से 20 मिनट्स, तो मैंने सोचा मैं अपना बालों में ना हेयर मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, जो कि मैं आप लोगों को पता है मैंने रिव्यूज़ भी करती हूँ प्रोडक्ट के, तो मैं यूज़ भी कर रही हूँ। सो मैं आपको ये वाला हेयर मास्क है जो मैं अभी लगाऊंगी, ये है वाओ स्किन साइंस का रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर मास्क मेड इन इंडिया और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी इसको यूज़ किया था तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, अभी देख रहे हो आप कितने ज़्यादा बाल ऑयली से हो रहे हैं। एंड मेरे को ये माइक लगाना पड़ रहा है बिकॉज मैं फ़ैन ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि बहुत गर्मी है, इसलिए मैंने माइक लगाया ताकि आपको वॉइस एकदम क्लियर आए। और आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान में कैसे मेरा दिन जा रहा है एंड अफ्तारी की तैयारी जो भी कुछ होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, उसके बाद मुझे जाना है नहाने, उसके बाद जुम्मे की नमाज पढ़नी है, सो आप लोगों से टच में बने रहूँगी आज पूरे दिन, ठीक है? तो चलो अभी पहले इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी मम्मा थी, मैंने जैसा अभी आपको बताया वो वॉशरूम में थी, तो मुझे भी नहाने जाना था बट मैंने सोचा अभी मुझे 10 to 15 minutes जाने में लग जाएगा, तो मैंने सोचा आज हेयर मास्क लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेयर मास्क अप्लाई कर रही हूँ अपना वाओ का, एंड आपको पता ही है मैं कितने स्किन केयर से बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहती हूँ, मेरे पास स्किन केयर के अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ पीआर के रहते हैं, कुछ मेरे खुद के ख़रीदे हुए रहते हैं, सो इसलिए मैं यूज़ करते रहती हूँ वीडियोज़ में भी एंड वीडियोज़ के अलावा भी, ऐसा नहीं होता खाली वीडियोज़ में दिखाने के लिए करती हूँ, मैं पर्सनली भी बहुत यूज़ करती हूँ स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स। तो इधर इसको अप्लाई करके 20 मिनट रखा, यू कैन सी मैंने नहा लिया है एंड अभी 2 बज रहे हैं और अभी मुझे पढ़नी है नमाज, उसके बाद मैं पढ़ूंगी कुरान शरीफ और उसके बाद मुझे अपनी कुछ वीडियोस एडिट करनी है, ये मेरा स्केड्यूल रहता है डेली का, और बस बाल सूख जाएं जल्दी से। थोड़ा सा अभी मैं स्किन केयर करूँगी, अभी बाहर वाले रूम में थोड़ी लाइट्स आई, अभी अपने रूम में जाऊँगी ना तो वहाँ पर लाइट्स बिल्कुल डल हो जानी है, तो अभी नमाज भी पढ़नी है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है, थोड़ा सा स्किन केयर पहले कर लेते हैं, उसके बाद नमाज और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। नहाने के बाद मैंने आप लोगों से जो क्लिप में बताया, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर, डेली का स्किन केयर है, ज़रूरी नहीं है आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ करो जो आपके स्किन को सूट करता है, CTM पे फोकस करना है, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश करो अच्छे से फेस वॉश के साथ, टोनर की जगह टोनर में आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, मैंने वाओ का विटामिन सी का टोनर यूज़ किया है, और मॉइस्चराइजिंग में आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है जिस कैटेगरी में आप आते हो वो अप्लाई करो जो आपके स्किन को सूट करता है बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैंने वाओ का कोकोनट वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई करके एंड यहाँ पर मैं लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर के बाद अप्लाई की जाती है क्योंकि एक लेयर क्रिएट कर देती है ताकि स्किन में एक बैरियर क्रिएट हो जाए और आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे UVA रेज से। सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो अगर चाहो इस और मेरा गला सूख रहा है इस वक्त, मुझे नमाज़ पढ़नी है तो यहाँ पर मैं अपना दुपट्टा अच्छे से हिजाब की तरह ओढ़ रही हूँ एंड हेड पूरा कवर करना होता है, बाल नहीं दिखने चाहिए नमाज के दौरान, तो वो सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है। एंड यहाँ पर अब मैं पढ़ूँगी नमाज जिसका क्लिप मैंने पूरा नहीं मतलब रिकॉर्ड किया, स्टार्टिंग का और एंड का पार्ट रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ कैमरा के आगे, क्योंकि यार नमाज़ में फोकस मुझे नहीं लगता होता होगा जब पूरा आप रिकॉर्ड करोगे। नमाज ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरा हो गया था, जहर की नमाज थी ये, उसके बाद थोड़ा सा इसके साथ हम खेल रहे थे मैं और मेरी बहन, इससे काफ़ी मन लग जाता है घर में, मतलब कुछ नहीं होता तो हम इसके साथ इसको छेड़ते रहते हैं, बहुत क्यूट है ये। अच्छा अभी असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और मैंने लास्ट आप लोगों से जब बात की थी
तो उस वक्त मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों से बात की थी। उसके बाद मैंने कुरान शरीफ उस वक्त नहीं पढ़ा था, अभी मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी मैंने जैसे मैं सोकर उठी ना, मुझे वीडियो एडिट भी करनी थी, क्योंकि कल जो वीडियो डिले हो गया था वो आज पोस्ट करना है, एक मेकअप वीडियो है वो वाला। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। अच्छा, आज मम्मी ने बनाई है बिरयानी खाने में, सो आज के डिनर के लिए और कुछ तो बनेगा नहीं, बिरयानी ऑलरेडी बन गई है। तो जिसको इफ्तार में खानी होगी वो इफ्तार में खा लेंगे, जिसको डिनर में खाना होगा वो डिनर में खा लेंगे। और अभी जैसे इफ्तारी में जैसे फ्रूट चाट एंड आलू के पकौड़े, पालक के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, जो भी कुछ होता है ना, वो मैं और मेरी सिस्टर प्रिपेयर करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अब बाहर, क्योंकि मैंने अभी असर की नमाज़ जस्ट पढ़ ली है। उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों से एक बार बता दूँ कि असर का वक्त हो चुका है, क्योंकि मैंने उसके बाद से आप लोगों से कोई बात ही नहीं की। तो अभी चलते हैं किचन में, पहले आपको बिरयानी का लुक दिखाती हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत वहीं का जो कुछ होगा ना, जो भी प्रिपरेशन करेंगे कैप्चर करेंगे, एंड उसके बाद फिर मगरिब के बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पर रेडी हो गई है बिरयानी, मेरी मम्मी ने डिनर के लिए मतलब इसको पहले से प्रिपेयर कर लिया था। वो बेचारी पहले से लग जाती हैं, क्योंकि उनको पता है शाम में फिर इफ्तार की तैयारी में किचन खाली नहीं मिलता, गैस भी खाली नहीं मिल पाती कोई भी बर्नल, तो इसलिए उन्होंने पहले ही सब कुछ तैयार करके और वो 5 बजे तक रेडी करके इसको किचन से बाहर आ जाती है। उसके बाद मेरा और मेरी सिस्टर का काम होता है किचन में ये सारी चीज़ें तैयार करना, फ्रूट चाट एंड ये सब पकौड़े एंड ऑल जो भी करना होता है, दस्तरखान लगाना, ये सब हम दोनों मिलके करते हैं। तो यहाँ इफ्तारी की प्रिपरेशन चल रही थी, इस वक्त करीब 1 घंटा रह जाता है इफ्तार होने में। तो यहाँ पर आलू के पकौड़े जो कि मुझे लगता है हर घर में बनते हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं फास्ट रखते हैं तो सबके घर में आलू के पकौड़े तो बिल्कुल बनते ही बनते होंगे। मेरे यहाँ पर आलू के, ग्रीन चिली के, पालक के, अनियन के, ये तो बेसिक है। बाकी कभी कुछ स्पेशल होता है तो कभी कुछ समोसे बना लिए या फिर कचौड़ी बना ली, तो मेरा उस दिन कुछ ऐसा था नहीं, मैंने बहुत रैंडम ब्लॉक किया, मैंने ये भी नहीं सोचा था क्या बन रहा है क्या नहीं। बिरयानी भी बहुत कोइंसिडेंस से मुझे पता लगा था कि उस दिन बन रही है, अदरवाइज़ बस मैंने ऐसे रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक करना। एंड यहाँ पर फ्रूट सैलड मैं बना रही थी, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं क्योंकि मतलब फ्रूट से ही रोज़ा खोलते हैं सब, तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा मैं बनाती हूँ क्योंकि सभी फास्ट रखते हैं। तो इसमें मैंगोज़ और वाटरमेलन, मस्कमेलन, बनानास, यही सब फ्रूट्स में जो होता है। एंड यहाँ पर बन रहे पालक के पकौड़े, बेसिकली मेरे फादर को बहुत पसंद है, मुझे नहीं अच्छे लगते बट उनकी कहने के लिए बनवाना पड़ता है, मतलब उनकी वजह से, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, मेरा गला बहुत सूख रहा है अभी वॉइस ओवर करते वक्त, तो उनको बहुत पसंद है इसलिए हम मतलब ये बना देते हैं थोड़ा सा उनके लिए, बाकी मुझे नहीं पसंद। यहाँ पर सारा कुछ हो गया था, फ्रूट चाट एंड पकौड़े सब कुछ बनकर रेडी था, बस उसके बाद दस्तरखान लगाना था। एंड यहाँ पर मैं डेट्स निकाल रही हूँ, खजूर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से रोज़ा इफ्तार करते हैं। लास्ट का थोड़ा सा टाइम बचता है तो मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, और नहीं बचता तो नहीं करती। उस दिन थोड़ा सा टाइम बच गया था तो मैंने क्लीन कर लिया था पूरा, क्योंकि मुझे आदत है हमेशा काम करती तुरंत किचन को क्लीन करने की। इसको बिरयानी में चिकन की स्मेल आ रही थी इसलिए रो रहा था। और बस यहाँ पर दस्तरखान पे हम वो सारी चीज़ें रख देते हैं जो जो हमने बनाया होता है। एक आधा चीज़ें यहाँ पर ना मिसिंग है, मैंने बाद में नोटिस किया कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी, और भी 2-3 चीज़ें थी बट पता नहीं कैसे वो रिकॉर्ड मेरी सिस्टर कर रही थी ना, तो वो रह गया था रिकॉर्ड करना। कि यहाँ पर मैंने रिंग लाइट ऑन कर लिया है और बैठ जाते हैं, मैंने बैकग्राउंड लगा लिया यहाँ पर। और रोज़े के बाद मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग मुस्लिम है ना वो समझेंगे इस चीज़ को, काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, मतलब इतना टफ स्केड्यूल होता है ना असर के बाद। तो जो भी मैंने था क्लिप्स, मतलब मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्या क्या बना था, वो सब तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। हाँ, बिरयानी खाते वक्त का नहीं रिकॉर्ड किया और इफ्तार के वक्त खाते वक्त का नहीं किया, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा था लास्ट के 10 मिनट से, जिसमें दुआ भी मांगनी होती है, इसलिए वो सब रिकॉर्ड नहीं किया था। हाँ, बट मैंने ओवरऑल आपको अपना दस्तरखान पूरा दिखा दिया था कि क्या क्या चीज़ें बनी थी, क्या क्या डिशेज होती, यही होती है यूजुअली, मतलब नॉर्मल इतना तो खैर होता ही है, बट आज एक बिरयानी एक्स्ट्रा थी और बाकी तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, और काफ़ी अच्छे से खाया माशाल्लाह। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा मेरा। सो उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिट करके मैंने वीडियो को पोस्ट किया यूट्यूब पर, जो मेरा मेकअप वीडियो जाना था जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग हो रखा था। उसके बाद फिर ईशा का टाइम हो गया, ईशा की नमाज़ पढ़ी, घर पूरा क्लीन किया, बर्तन क्लीन किए, और उसके बाद नमाज़ वमाज़ पढ़ के
अब भी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, 9:30 हो रहे हैं, तो मेरा ऐसा वाला स्केड्यूल रहता है डेली। अब 9:30 बजे से जो भी टाइम है मेरे पास, 10 बजे तक, 10 तो नहीं, खैर आधा घंटा नहीं लगता, 10:30-11 बजे तक मैं कंटिन्यूसली अपनी वीडियोज़ करूँगी। मतलब मैं दिन में तो वीडियोज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि यार रोज़े में नहीं हो पाता वीडियोज़ का, इतना बोलना होता है तो वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, रात में मैं रोज़ा इफ्तार करके इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वीडियोज़ अपनी स्टार्ट करती हूँ करना। तो अभी मेरे पास टाइम है, अब मैं 11 बजे तक वीडियोज़ करूँगी, उसके बाद बस फिर मेरी हालत हो जाती है ख़राब, फिर मैं रात को उन वीडियोज़ को एडिट करती हूँ। तो अब मेरा फ़िलहाल आप बैकग्राउंड देखकर समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा मैंने स्किन केयर दोबारा करा है, तो अब चेहरे की हालत पहले से बेटर है। वैसे भी ना यू नो हाइड्रेशन की कमी हो जाती है फेस पर, तो मैं स्किन केयर रोज़े के बाद भी करती हूँ, इफ्तार के बाद भी, और दिन में तो मैं करती हूँ एक बारी। सो ये था मेरा आज का रमज़ान ब्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप इस तरीके के और ब्लॉग्स देखना चाहते हो, क्योंकि अभी तो रमज़ान है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करो, मैं और इफ्तार ब्लॉग रमज़ान इस बार आप करेंगे ना, तो मैं सहरी से स्टार्ट कर दूंगी। आज तो मैंने डे से स्टार्ट किया था, तो मैं नेक्स्ट और ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अभी तो वैसे ईद है, और ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड यस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Bye bye, take care, love you all.